हेलो स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग यूनिट थर्ड के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का टॉपिक है, एक पीडीएफ सेंड कर चुका हूं मैं इसकी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। के मींस एल्गोरिदम, ठीक है। यहां पे हमें कुछ हाइट्स दी होती है, कुछ वेट दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे सेंट्रोइड कंसेप्ट लाना होता है। और व्हाट इज सेंट्रोइड कंसेप्ट? सेंट्रोइड मतलब जो होता है, जो वैल्यू क्लस्टर के बीच में से जाती है, हम उसे सेंट्रोइड बोलते हैं। हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड की वैल्यू को क्लस्टर में इंसर्ट करते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला देखिए, एक्स जीरो माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस वाई जीरो माइनस वाई सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पे एक्स जीरो और वाई जीरो क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो हमें लेनी है, और एक्स सी और वाई सी क्या है, यहाँ सेंट्रोइड वैल्यू है जो हमें सेंट्रोइड में पुट करनी है। हम यहाँ पे दो क्लस्टर मानते हैं, के वन और के टू। आप देख सकते हैं के वन के अंदर एक वैल्यू दे रखी है 185 और 72, जो कि क्या है, जो कि आपका जो सीरियल नंबर वन है, रो वन है, उसकी हाइट और वेट है। के टू देखेंगे तो 170 और 56 है, जो क्या है, यहाँ पे रो नंबर टू है, उसका हाइट और वेट है। अब फॉर्मूले को समझते हैं, एक्स क्या है यहाँ पे, हाइट को है, और वाई क्या है यहाँ पे, वेट के लिए है। अब सेंट्रोइड वैल्यू जो हमने फर्स्ट रो की मान ली है, जो कि 175 और 72 है, और 170 और 56 है, ये हमने सेंट्रोइड वैल्यू को सिंपली सीरियल नंबर वन और सीरियल नंबर टू, जो कि रो फर्स्ट और रो सेकंड है, उनको मान लिया है। अब हम ऑब्जर्व वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ऑब्जर्व वैल्यू को फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है, हम रो थ्री को ऑब्जर्व वैल्यू मान लेते हैं एक बार के लिए। तो अब रो थ्री के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम मान के चलो ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो गई हमारी रो थ्री की, 168 और 60, अंडरलाइन कर रखा है मैंने। मैं बता दूं आपको, ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं वो मुझे 3 मिनट का ही रिकॉर्डिंग करने की परमिशन दे रहा है, तो मैं हो सकता है इसके दो वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। ज्यादा साइज नहीं है इसका, ठीक ठाक है, 5-6 MB का साइज होगा, जो कि सफिशियंट है, ठीक है। K1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 168 माइनस 185 प्लस 60 माइनस 72 एंड सो ऑन, और K2 की मैंने ऐसे फाइंड कर ली। आप भी फॉर्मूले पुट कर दोगे, ऑब्जर्व वैल्यू जो है रो 3 है, और K1 और K2 की वैल्यू मैं उनसे फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने देखा यहां पे जो मेरी मिनिमम वैल्यू मिली है वो K2 की मिली है। अब देखिए, अब हमने देखा कि K1 का वैल्यू है वो K2 की वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब K2 की वैल्यू कम है, तो K2 की वैल्यू हम क्लस्टर 2 में इंसर्ट कर देंगे। ये देख लीजिए, K2 में क्या है, K2 में क्लस्टर 2 की वैल्यू इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नया सेंट्रोइड कैलकुलेट करना होगा। इससे पहले समझिए, K1 की वैल्यू K2 की वैल्यू से ज्यादा थी, इसका मतलब K2 की वैल्यू कम थी, तो क्या किया, जो K2 की वैल्यू थी वो कहां चली गई, दैट इज क्लस्टर में चली गई। हमने देख लिया यहां पे, ये हम यहां पे देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वहीं से, हमने देखा था कि K2 की वैल्यू कम आई थी, जो क्लस्टर 2 में चली गई थी। अब हम क्या करेंगे, नया सेंट्रोइड कैलकुलेट करना होगा। याद रखना ये बात, 10वां पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि K2 की वैल्यू जो चेंज हुई है, तो हमें अब K2 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी पड़ेगी, K1 की वैल्यू वही रहेगी। K1 की वैल्यू हमें पता है, K1 की वैल्यू हमें पता क्या, 185 और 72, ये हमने देखा ना, ये है 185 72 K1 की वैल्यू है। K2 की वैल्यू क्या करना, नहीं फाइंड करनी है। तो K2 की जो ओल्ड वैल्यू थी वो क्या थी, रो 2 की 170 और 56, हमने देखा जरा K2 की जो आपकी ओल्ड वैल्यू थी ये, और न्यू वैल्यू किसको माना हमने, जिससे हमने फॉर्मूला निकाला, जिसने हमने रो 3 का फॉर्मूला निकाला, दैट इज रो 3rd की 168 और 60, ये K2 की क्या थी, आपकी न्यू वैल्यू थी। तो इन दोनों के मीन से हम क्या निकालेंगे, K2 की लेटेस्ट वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 169 और 58। आप देख लेना, K2 की जो ओल्ड वैल्यू थी इस क्लस्टर में 170 56 थी, और K2 की जो न्यू वैल्यू थी, जो कि ऑब्जर्व वैल्यू आप बालते हो, आप ये मान सकते हो, मैं लिखना भूल गया, कि K2 की जो ओल्ड वैल्यू है प्लस K2 की ऑब्जर्व वैल्यू से आपको मीन निकालना है। ऑब्जर्व वैल्यू हमको पता है क्या है, जो कि रो 3 के लिए निकाली हमने, वो ऑब्जर्व वैल्यू थी, दैट इज 168 और 60, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इन दोनों का मीन निकालूंगा, तो क्या आएगा, 169 और 58, इन दोनों के मीन निकालने से 169 और 58 आता है। अब क्या करेंगे, रो 4 के लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। याद रखना, K1 की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, K2 की वैल्यू चेंज हुई है, तो K1 की वैल्यू जो आपकी थी वो 185 और 72 ही रहेगी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, मेरा जो रो 4 है, तो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो गई, मेरी ऑब्जर्व वैल्यू हो गई है 179 और 68। याद रखना, ऑब्जर्व वैल्यू मेरी हो चुकी है 179 और 68,
तो अब मैंने इससे K1 और K2 की वैल्यू निकाली, तो मैंने देखा कि मेरी K1 की वैल्यू कम आई है। अब K1 की वैल्यू कम आई है, K2 की वैल्यू कम ज्यादा आई है, तो K1 की वैल्यू कम आने का मतलब क्या है, K1 की वैल्यू कहाँ जाएगी, क्लस्टर में जाएगी। तो आप देख लो, देख सकते हैं ये K1 की वैल्यू, ये K1 है वो 1 क्लस्टर में आ गया, और इससे पहले हमने देखा था ये जो 2 था ये आपका 2 क्लस्टर में आ गया। तो इसी तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे देखा आप K1 की वैल्यू चेंज होगी, तो K1 की ओल्ड वैल्यू और आपकी ऑब्जर्व वैल्यू से आप ये निकाल लेंगे, तो लास्ट में जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे इस तरह आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो K2 के अंदर ओनली 2 और 3 आएगा। थैंक यू। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही अपलोड करूंगा, तो किसी को भी डाउट है इसके अंदर तो मुझसे पर्सनली फोन करके पूछ ले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम 8 नंबर का आपका आएगा। थैंक यू।